जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे चने। चने तो अभी मैंने पानी में उनके अभी उबल गए, तकरीबन 2 घंटे हो गए ना। अरे ये पानी निकाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा सोडा डाला था। ये अभी प्याज का ब्राउन हो जाएंगे, और ब्राउन होने में ये बहुत टाइम बाकी है ना। चने किस तरह बनेंगे, दूसरी साथ में और कोरमा बनाऊंगा चिकन का, दूसरा एक ये बोनलेस चिकन है, हड्डी के बाहर है ना। ये करी पाउडर है, गरम मसाला है, इसमें जीरा है, ये पाउडर टमाटर पड़ा है, ये लेमन है, अदरक लहसुन है। तो अभी देख, अभी शुरू करता हूँ ना।
जनाब अभी हमारा मसाला जो है हो गया तैयार चने का, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सही है। और ये कोरमा के लिए मैंने पहले चिकन है फिर अदरक लहसुन में मैं फ्राई करूँ ना, क्योंकि 5-10 मिनट तक ये फ्राई जो है इसका ये स्मेल ख़त्म हो जाएगा ना। तो 4-5 मिनट पर और भी फ्राई करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। ये बस हमारा चने का जो मसाला तैयार होने वाला है। ये मैंने चना उबाल लिया है, चने का पानी मैंने सेपरेट कर लिया है, क्योंकि मसाले में चना समेत पानी समेत डालोगे ना फिर वो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा ना। चलो फिर जब बन जाएगा ना दाल में फिर मैं आपको दिखा दूँगा ना इस तरह। तो जी दोस्तों, अभी तकरीबन 10-15 मिनट हो गए मैंने पका के हुए, अभी देख रहे किस तरह है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, देखो बस ये तो तैयार हो गया कोरमा भी और साथ में गंदा चने भी तैयार हो गए, बड़ा मज़ेदार बन गया है। देखो अगर दोस्तों किस तरह है, देखो आपको कलर किस तरह लग रहा है, अच्छी है जिस तरह भी, तो कमेंट में बता देना ना, अगले अगली मरतबा भाई से अच्छी कोशिश कर देंगे ना। माशाल्लाह मार्स हो गया तैयार, दोनों पक गए साथ, ये तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।